नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि गूगल पर अपना फ़ोटो कैसे अपलोड करें। जी हां दोस्तों, अगर आप जो है गूगल पर अगर फ़ोटो अपलोड कर देते हैं और उसके बाद में आप जैसे ही गूगल पर अपना नाम सर्च करते हैं, जैसे कि मेरा नाम अशोक कुमार है, तो अगर आप भी अपना जो है नाम सर्च करेंगे गूगल पर फोटो अपलोड करने के बाद में, तो आपका जो है फ़ोटो गूगल पर आ जाएगा। तो अगर आप भी दोस्तों अपना जो फ़ोटो गूगल पर अपलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। मैं इसमें आपको सारी की सारी जानकारी दिखाने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप 100% गारंटी के साथ में अपना जो है गूगल पर फोटो अपलोड कर सकते हैं आसानी से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ। और घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो के नीचे दोस्तों लाइक का बटन है, उसको भी जरूर दबा दें। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गूगल पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए हमारे को सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और क्रोम ब्राउज़र में दोस्तों आपको ओपन करके आपको इधर लिख देना है सर्च बारे में google.com, ये मैंने लिख दिया है। और अब मैं इसको जो है सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च करने के लिए मैंने जो सर्च करने के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, और इसके बाद में हमारे सामने जो है दोस्तों ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो आपको जो है इस पेज को बड़ा करना है, और आपको जो है इधर एक ऊपर एक ऑप्शन मिलता है राइट साइड में स्क्वायर साइज़ का, तो आपको जो है इसी स्क्वायर साइज़ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों इधर जो है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको दोस्तों इस पर एक ज़्यादा का ऑप्शन मिलता है। मेरा फ़ोन अभी हिंदी में है, तो अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ज़्यादा पर। और इसी हमारे को दोस्तों ज़्यादा पर जैसे मैंने क्लिक किया, तो हमारे को जो है ब्लॉगर का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारे को जो है इस पर क्लिक कर देना है। ब्लॉगर पर हम दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और इधर हमारे को ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा। तो इधर हमारे को दोस्तों ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, आप देख लीजिए एक साइन इन का, तो आपको जो है साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर हम दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो इधर हमारे सामने एक नया पेज और ओपन होगा, और हमारी सारी की सारी जो है जीमेल इधर दिखाई देने लग जाएगी। तो मैं इसको जो बड़ा कर आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके, ये देख लीजिए मेरी सारी की सारी जीमेल इधर दिखाई दे रही है। तो अब हमारे को जो है कोई भी एक जीमेल को जो है सेलेक्ट कर लेना है, और उसके द्वारा आपको जो है लॉगिन कर लेना है। तो मैं जो अभी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने जो सेलेक्ट कर दिया है इसको, और उसके बाद में ये थोड़ा सा लोडिंग लेता है हमारे सामने। तो अब हमारे सामने दोस्तों नया पेज ओपन हो चुका है, और इधर हमारे को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोफाइल का नाम सेलेक्ट करने का। तो इधर आपको जो अपना जो नाम सर्च करेंगे गूगल पर, वो आपको अपना नाम डाल देना है, अशोक कुमार प्रजापति, ये मैंने ऐसा डाला है। और अब हमारे को जो इस पर क्लिक कर देना है ब्लॉगर पर जारी रखें। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और हमारे सामने और भी नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इधर दोस्तों हमारे सामने जो ऐसा इंटरफेस आ चुका है, और इधर कुछ जो है नोटिस लिखा हुआ है, तो इसको आपको बड़ा कर देना है। और आपको जो है एक बीच में एक ऑप्शन मिलता है नया ब्लॉग बनाएं, तो हमारे को जो है इस नया ब्लॉग बनाएं इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और इधर आपको जो है अपना नाम डाल देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो कैसे डालना है। आपको दोस्तों इधर अपना नाम डाल देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अशोक कुमार प्रजापति, हमारे को यही नाम सर्च करना है गूगल पर, तो हमारे को जो है ये डाल देना है इधर। अगर दोस्तों आपका जो नाम, जैसे कि मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं सिर्फ अशोक कुमार डालूंगा, तो अशोक कुमार तो दुनिया में बहुत बहुत सारे हैं। तो अगर जो हम सिर्फ अशोक कुमार डालेंगे तो वो जो है नाम नहीं दिखाई देगा, या फिर अपना जो फोटो नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको जो अपना नाम ऐसे यूनिक रखना है। तो अब मैं जो है मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया है। और नीचे हमारे को एक पते का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इधर पता लिखा हुआ है, तो इधर भी हमारे को जो अपना नाम ही डाल देना है, जैसे कि मैं इधर डाल देता हूँ अशोक। इधर दोस्तों हम नाम डालेंगे तो इधर हमारे को स्पेस नहीं देना नाम के बीच में, डायरेक्ट ही लिखना है, जैसे कि मैंने जो डायरेक्ट लिखा, और आगे मैं लिख देता हूँ प्रजापति, ये मैंने लिख दिया अशोक कुमार प्रजापति। और अब हमारे को दोस्तों एक नीचे एक इसके आगे ये ऑप्शन मिल रहा है, ये देख लीजिए पते की उपलब्धता जांच कर रहा है। तो इधर दोस्तों ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे को क्षमा करें या ब्लॉग पता उपलब्ध नहीं है, तो आपको दोस्तों इधर चेंज करना है कुछ, जैसे कि मैं इधर चेंज कर देता हूँ अशोक कुमार प्रजापति के आगे कुछ लिखा देता हूँ, इधर एक लिख देता हूँ, वन लिख देता हूँ, ये मैंने वन लिखा है। और इधर ये और जाँच कर रहा है, ये देख लीजिए ये लिखा हुआ आ गया, ये ब्लॉग पता उपलब्ध है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको जो इधर कुछ चेंजेस कर देना है, थोड़ा सा बस एक दो तीन या कुछ अक्षर का जो आपको चेंजेस कर देना है, और फिर हमारे को हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा ये ब्लॉग पता उपलब्ध है। तो अब आपको दोस्तों नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा, तो इधर से आपको जो कोई भी एक प्रोफाइल थीम है जो सेलेक्ट कर देना है इधर से। तो मैं अभी जो है कॉन्टेम्पो इसको जो सेलेक्ट कर दिया है, और ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसको छोड़ो कोई बात नहीं। अब हमारे को दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लॉग बनाए, तो हमारे को जो बस इस पर क्लिक कर देना है। ये पेज लोड हो रहा है, और हमारे सामने जो है एक नया पेज ओपन हो गया, ये देख लीजिए। तो अब हमारे को दोस्तों क्या करना है कि ऊपर एक नई पोस्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इधर हमारे को जो है नई पोस्ट पर क्लिक कर देना है।
नई पोस्ट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इधर हमारे सामने दोस्तों ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, बता रहा है इधर लोड हो रहा है। तो हमारे को थोड़ा सा इधर वेट कर लेना है और इधर हमारे को जो है फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख लीजिए। ऐसा हमारे को जो है इधर जो है इंटरफेस दिखेगा। तो आपको दोस्तों इधर जो है एक ऑप्शन मिलता है एक फ़ोटो का ऑप्शन है, आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ इसको, ये देख लीजिए, ये गैलरी का ऑप्शन है। तो हमारे को जो है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है अपना जो गैलरी से फ़ोटो लेने का ऑप्शन मिल जाएगा हमारे को, ये देख लीजिए, फाइल सुने ऑप्शन है। तो हमारे को जो है इस पर क्लिक कर देना है, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो इधर हमारे को जो है फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ये देख लीजिए, फाइल पर मैं क्लिक कर दिया और इधर से मैं मेरा जो है कोई भी फ़ोटो एक ले लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने ये ले लिया है और ये फ़ोटो है जो सेलेक्ट करने के बाद में ये थोड़ा सा लोडिंग लेता है और ये जो अपलोड होता है होता हुआ हमारे को दिखाई दे रहा है। तो ये जो है फ़ोटो अपलोड हो चुका है और हमारे सामने जो ये जो है फ़ोटो ओपन हो चुका है। तो इधर हमारे को दोस्तों अब क्या करना है कि आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है नीचे एक चयनित को जोड़ें, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने और पेज है जो ओपन हो जाएगा और इधर हमारे को इसको थोड़ा सा छोटा करना है, ये बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है तो हमारे को छोटा कर लेना है। तो इधर हमारे को दोस्तों फ़ोटो के नीचे अपना नाम डाल देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अशोक कुमार प्रजापति, ये मैंने लिख दिया है। और फोटो के नीचे नाम लिखने के बाद में दोस्तों हमारे को इस फोटो पर क्लिक कर देना है। तो इधर हमारे को एक गुण का एक ऑप्शन मिलता है, ये मेरा फ़ोन अभी हिंदी में है तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, अगर आपका इंग्लिश में होगा तो इधर जो प्रॉपर्टीज लिखा हुआ आएगा। तो हमारे को जो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो इधर हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, तो आपको जो है इस दोनों ऑप्शन को भर देना है। तो मैं जो है इधर मेरा नाम लिख देता हूँ दोनों में भी, तो मैं इधर जो लिख देता हूँ अशोक कुमार प्रजापति, ये मैंने लिख दिया इसमें, और दूसरे वाले में भी ऐसे ही लिख देता हूँ अशोक कुमार प्रजापति, ये मैंने लिख दिया है। और अब हमारे को जो है नीचे एक ऑप्शन मिलता है ओके का, ठीक लिखा हुआ है, तो मैं जो है इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर मैंने जैसे क्लिक कर दिया है तो इधर हमारे को ये जो है सेव हो गया है, वो तो जो गुण था वो तो सेव हो गया है। अब मैं वापस इस पर क्लिक करता हूँ तो इधर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है अशोक कुमार प्रजापति। वापस मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ और इधर हमारे को अब दोस्तों ऊपर एक ऑप्शन मिलता है लेबल का, तो हमारे को जो इस लेबल पर क्लिक कर देना है, ये आपको राइट साइड में मिलेगा। तो हम जो है जैसे इस पर क्लिक करेंगे लेबल पर तो इधर हमारे को जो है अपना नाम डाल देना है, जैसे हमने जो नाम डाला था वैसे ही आपको जो है इधर और नाम डाल देना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ अशोक कुमार प्रजापति, ये मैंने डाल दिया है। और अब हमारे को जो है संपन्न, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ ओके पर। इस लेबल को भी सेव करने के बाद में दोस्तों हमारे को जो है ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है डालने का, तो इधर हमारे को जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर हम जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है नया ऑप्शन आ जाएगा, ये देख लीजिए नई पोस्ट आ चुकी है और ये जो पोस्ट हो चुका है। दोस्तों इतना करने के बाद में आपको जो है दो दिन तक वेट करना है, क्योंकि गूगल सर्च में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी फ़ोटो को या फिर किसी भी साइट को, तो इसके लिए हमारे को जो वेट करना पड़ता है। और इसमें मैं आपको दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि इसमें आपको जो अपना नाम जो यूनिक रखना है, जैसे कि मैंने जो अशोक कुमार प्रजापति डाला है, तो इसमें भी दोस्तों हो सकता है कि मेरा जो है नाम में जो फ़ोटो थोड़ी आने में कठिनाई हो, तो इसलिए आपको जो हो सकता है तो अपना जो पिताजी का भी नाम जो साथ में डालिए, जैसे कि मेरा नाम अशोक कुमार है और इसके साथ में मेरा अगर पिताजी का भी मेरा नाम है जो साथ में डाल देता हूँ तो वो जो है यूनिक नाम हो जाता है। और इसको हम जैसे सर्च करते हैं तो हमारे जो फ़ोटो जो है आसानी से देखने को हमारे को मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी नई नॉलेज और कुछ जानकारी मिली होगी। तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, जैसे कि मेरे बारे में, वीडियो के बारे में या फिर चैनल के बारे में आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे वापस अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।